सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग आए हैं मोढेरा सन टेम्पल, जो कि अहमदाबाद से कुछ 100 किलोमीटर्स दूर है। ये सन टेम्पल मोढेरा की जो एंट्री का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। और एंट्री जो फीस है वो हम इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ पर पर्सन है, फॉरेन नेशनल के लिए 300 रुपीज़ पर पर्सन। और जो एंट्री फी आपको पे करनी है वो जैसे हमने लास्ट रानी की वाव में हमने ऑनलाइन QR कोड स्कैन करके किया था, वैसे यहाँ पर भी पेमेंट करनी है। फिजिकली ये लोग पेमेंट नहीं ले रहे। तो आप ये मेरे पीछे जो सन टेम्पल देख रहे हो, राजा भीमदेव सोलंकी ने 1026 से लेके 1027 के दौरान बनाया था। और ऐसा माना जाता है कि राजा भीमदेव है वो सन के बहुत, मतलब सूर्य देवता के बहुत बड़े पुजारी थे और उसमें मानते थे, इसीलिए उन्होंने ये सन टेम्पल बनाया था। तो ये मोढेरा का जो सन टेम्पल है वो इंडिया का तीसरा बड़ा सन टेम्पल है। एक तो पहला नंबर है उड़ीसा का, दूसरा है गया का और तीसरा आता है मोढेरा सन टेम्पल। तो ये जो मोढेरा का सन टेम्पल है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है गर्भगृह, दूसरा है सभा मंडप और तीसरा है सूर्यकुंड। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है सूर्यकुंड। तो चलते पहले अंदर और बाकी के जो 2 पार्ट है वो आपको दिखाते हैं। तो गाइस मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहूँगी कि इस मंदिर में पूजा नहीं की जाती है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को खंडित कर दिया था। अभी के लिए बस इतना ही। तो सेकेंड फन फैक्ट मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। अब हम लोग आ गए गर्भगृह में, जो कि इसमें 52 पिलर्स हैं और हर एक पिलर पे कुछ ना कुछ ऐसे नक्काशियाँ की गई है। टोटल 52 पिलर्स है 52 वीक्स के लिए। और यह है गर्भगृह और ये अंदर का पार्ट है जहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि सूर्य की जो किरणें होती है सबसे पहले यहाँ अंदर पड़ती है। और ये है गर्भगृह का पार्ट। सेकेंड फन फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर गर्भगृह में 52 पिलर्स हैं जिनके ऊपर महाभारत और रामायण की बहुत इंपॉर्टेंट नक्काशी की गई है। ये पिलर का जो ऊपर का भाग है वो गोलाकार है और नीचे का जो भाग है वो अष्टाकार आकार है। तो गाइस अभी अभी हमने देखा गर्भगृह, अब चलते हैं सभा मंडप की और, बट उससे पहले अंजलि आपको बताएगी फन फैक्ट। तो गाइस मैं आपको फन फैक्ट नंबर 3 बताना चाहूँगी कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके आ रहे थे तो उन्होंने, कि जैसा आप जानते हैं कि रावण एक ब्राह्मण थे, तो उनको इस सिन से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने वशिष्ठ मुनि से एक जगह का मतलब नाम पता किया कि मैं कहाँ जाके इस सिन से मुक्ति पा सकता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर आके सीतापुर नाम की जगह मतलब इवॉल्व की और लेटर इस जगह को मोढेरा कहा जाता है। तभी हम लोग आ चुके हैं सभा मंडप में। जैसे आप कुंड से बाहर निकल के एंटर करते हैं सबसे पहले सभा मंडप आता है और उसके बाद ही गुरु आता है। तो देखते हैं सभा मंडप में जो पिलर्स हैं उन पे कौन कौन सी नक्काशी की गई है। तो यहाँ सभा मंडप में 52 ऐसे स्तंभ और इन सभी स्तंभों पे रामायण और महाभारत के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसकी नक्काशी की गई है। तो गाइस मैं आपको फैन फैक्ट नंबर 4 बताना चाहूँगी कि जो सूर्य टेम्पल है वो उसमें किसी भी प्रकार का चूना सीमेंट नहीं यूज़ किया गया है, ये प्योरली पत्थर से बनाया गया है। एंड और एक और बात कि ये मंदिर जो है वो भूकंप प्रूफ है, मतलब यहाँ पर अगर भूकंप आता है तो इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। सो गाइस यहाँ पे भी रानी की वाव की तरह जो पिलर्स है उस पर काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है। तो अगर आपको समझना है तो गाइड लेके आइए, किस पिलर में कौन सी जो नक्काशी की गई है, वो कौन सी स्टोरी है, क्या इंपॉर्टेंस रखती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गाइड समझा देगा। सो डेफिनेटली अगर ये विजिट करें सन टेम्पल तो गाइड रखिए आप, बिकॉज आपने जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दी है वीडियो में वो भी हमने ऑनलाइन पढ़ के दी, हमने कोई गाइड नहीं रखा था, रखना चाहिए था, बट अगर आप लोग आ रहे तो डेफिनेटली गाइड रखिए। बाय द वे जितने भी फन फैक्ट्स दिए वो डेफिनेटली वेरीफाइड है।
तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है सूर्य कुंड, और इसके आसपास अगर आप देखो तो 108 छोटे छोटे मंदिर बने हैं जिसमें अलग अलग भगवान की मूर्ति भी रखी गई है। ऐसा बोलते हैं कि जब सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, तो उसकी जो किरणें होती है सबसे पहले इस कुंड में गिरती है, और उससे यहाँ का जो नज़ारा होता है वो बिल्कुल ही अलग ही दिखता है। और यहाँ इसके जो स्टेप्स है वो स्टेपवेल की तरह, रानी के वाव में जैसे देखे तैसे स्टेपवेल की तरह है, और ये जो सबसे नीचे की लाइन है उसमें अलग टाइप के स्टेप्स हैं, और उसके ऊपर की जितनी भी लाइन्स हैं उसमें भी अलग टाइप के स्टेप्स दिए हैं। देख सकते हो संडे होने के कारण कितनी सारी फैमिलीज हैं यहाँ पे, और सभी लोग सूर्य कुंड पे बैठे हुए हैं। अभी अभी हमने जस्ट सूर्य कुंड कवर किया है। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े गार्डन्स हैं और ट्रीज है, तो बैठ के आप लोग आराम से नीचे पिकनिक टाइप कर सकते हो। लास्ट डे में रानी की वहाँ बोला था वहाँ पे अंदर फूड अलाउड नहीं है, यहाँ पे आई गेस फूड अलाउड है। तो यहाँ की साइड राइट साइड एक बड़ा गार्डन है और ट्रीज है, तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो। सामने की साइड भी है ट्रीज और गार्डन, और वहाँ लेफ्ट साइड भी है, एक छोटा सा मंदिर भी है वहाँ पे जो हमने अभी कवर नहीं किया। सो अंजलि, तुझे रानी की वाव पसंद आई ज़्यादा या फिर ये? मुझे दोनों अच्छे लगे। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि रानी की वाव के कंपेयर में यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखने को ज़्यादा है, और दूसरा यहाँ की हिस्ट्री भी रिच है। हमने आपको ज़्यादा नहीं बताया इस वीडियो में, पर आप मैंने जैसे बोला आप गाइड रख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए। और लेकिन करण मूर्तियाँ सारी मतलब रानी की वाव में भी वही नकाशी करी हुई है, यहाँ पर भी वही है, मतलब महाभारत और रामायण के सिवा और क्या करेंगे ये लोग। और यहाँ पे जो नक्काशी की गई मूर्तियाँ काफ़ी सारी है वो डैमेज कंडीशन में है, किसी किसी मूर्ति पे पता भी नहीं चल रहा कौन से भगवान की मूर्ति है, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बट फिर भी काफ़ी वेल मेंटेन रखा हुआ है। ये अच्छी बात है, मतलब दोनों ASI के अंडर हैं तो वेल मेंटेन्ड है, अदरवाइज हमने कितने सारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ये भी आता है, रानी की वाव भी आती है और ये भी आता है, इसीलिए मेंटेन काफ़ी अच्छा किया गया। और आसपास गार्डन है जैसे मैंने आपको बताया, तो बैठने के लिए भी, हाफ डे वन डे पिकनिक के लिए भी अच्छी जगह है। बाय द वे, अगर आपको किसी भी प्लेस के बिहाइंड द सीन वीडियोज़ और फोटोज़ और स्टोरीज़ देखनी है तो हम दोनों को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम की लिंक यहाँ पर नीचे आ रही होगी, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, सारे फोटोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आके एंड कर रहे हैं। सबसे मुश्किल काम क्या है पता है आपको? यूट्यूब में थंबनेल लेना। तो आधे घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे थंबनेल ले रहे थे, अब पता नहीं कौन सी थंबनेल रखेंगे। बट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो शाम तक ज़रूर रुकना, क्योंकि जब सूर्यास्त होता है सनसेट के टाइम ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे उसकी जो सूर्य की किरणें होती है वो गिरती है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा रहता है। हम तो अनफॉर्चुनेटली अभी निकल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी पाबंदी है, आप ज़रूर रुकना शाम तक और देखना नज़ारा यहाँ पे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो वीडियो नेक्स्ट लाइव हो रहा है उसकी सबसे पहले आपको अपडेट मिले। आई विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।